वार्ड क्रमांक 14 में सफाई अभियान को लेकर जो मुद्दा छेड़ा गया था उसी को लेकर आज हमने नगर परिषद सीएमओ वीरेंद्र मेहता से की कुछ खास बातचीत। आइए जानते हैं क्या है विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं नीना रामदेव, आप देख रहे संस्कार दर्शन न्यूज। संस्कार दर्शन द्वारा वार्डों की समस्याओं को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था उसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सीएमओ वीरेंद्र मेहता। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनकी तैयारियां के वार्डों में मॉनसून की तैयारियों की क्या क्या व्यवस्था की है। वार्डों में मॉनसून की तैयारी चल रही है निरंतर। हमारे सफाई कर्मचारी नालियों की सफाई जो कई वर्षों से नालियाँ जाम थी उनका अतिक्रमण हटा हटा कर नालियों की सफाई की गई है और निरंतर हमारे कर्मचारी प्रत्येक वार्डों में घूम घूम कर सफाई कर रहे हैं। अभी पहले जो बारिश हुई है उसके कारण भी जो समस्याएं हमारे सामने आई तत्काल हमारे कर्मचारियों द्वारा उसका निराकरण किया गया। सर आपका कहना है कि साफ सफाई द्वारा कार्रवाई जा रही है। वार्ड नंबर 14 की जनता से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जब से चुनाव हुए हैं उससे पहले भी और चुनाव के बाद भी परिस्थितियां सेम है। वार्ड नंबर 14 में आकर के ना तो कोई कर्मचारी साफ सफाई कर रहा है और ना वहाँ की नालियों पर ध्यान दिया जा रहा है। रोडों पे बारिश की वजह से इतना पानी आ जाता है कि जनता को चलने में भी काफी समस्या हो रही है। इस बारे में आपका हमारा पर्टिकुलर 14 वार्ड से मतलब नहीं, पूरा नगर हमारा है और निरंतर सभी वार्डों में सफाई का काम चल रहा है। अगर 14 नंबर की कोई पर्टिकुलर कोई स्थान का इशू है तो वो हमारे सामने आएगा, तो उसका भी रिजोल्व करेंगे। सर अधिकतर वार्डों में भी बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जैसे कि साफ सफाई को लेकर के नगर पालिका की गाड़ी आती है तो उनका कहना ये है कि गाड़ियाँ जो आती है वो अंदर तक नहीं आती है, बाहर से ही चली जाती है। तो अधिकतर वार्डों में जो कचरा है वो वहीं पर वो लोग इकट्ठा कर देते हैं साइड में, तो फिर गाड़ी के आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना सर। मेरे द्वारा अभी 4 दिन पहले भी इस चीज़ पर फोकस किया गया है और कुछ स्थान मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और कुछ गलियाँ भी मेरे द्वारा आइडेंटिफाई की गई है जहाँ गाड़ियों की समस्या है, तो वो गलियाँ सकड़ी हैं। मैंने वहाँ अपने कचरा गाड़ी के ड्राइवरों को अतिरिक्त समय तक गाड़ी रोकने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वहाँ के सभी लोग उसमें कचरा डाल पाएँ और नगर में कहीं पर भी कचरा इकट्ठा करने में नहीं दूंगा। ये मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूँ इस संबंध में और निर्देश भी देता हूँ मेरे कर्मचारी इसके लिए। मैंने पर्टिकुलर अभी 8 लोगों की ड्यूटी लगाई है जहाँ लोग कचरा डालते हैं, तो हर अड्डे पर जहाँ जहाँ कचरा लोग डालते हैं मैंने 8 लोगों को पर्टिकुलर एक एक स्थान पर ड्यूटी लगा दी गई है और 3 दिन पहले ही मेरे द्वारा एक आदेश इस प्रकार का इशू किया गया है। तो मेरे कर्मचारी जहां कचरा इकट्ठा हो रहा है वहां सुबह जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक खड़े रहेंगे और जो लोग कचरा डाल रहे हैं उनको मोटिवेट करेंगे कि आप कचरा गाड़ियों में ही कचरा डालें, यहाँ कचरा नहीं डालें। सर जैसा कि आपने कहा कि आपने कर्मचारियों को भी लगाया है तो सर इससे पहले भी हमने अभी हाल ही में जनता के मुद्दे उठाए थे तो उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये बोला हमसे कि यहाँ पर जब से मतलब साफ सफाई अभियान चालू हुआ तब से लेके अभी तक यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आया है कि यहाँ की क्या स्थिति रही है। आपका कहना है कि हम जा रहे हैं व्यवस्थित साफ सफाई हो रही है पर जनता द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। मेरे पास ऐसा कोई इशू नहीं आया और पब्लिक इस टाइप की हमारे पास नहीं आई है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है या कचरा नहीं डल रहा है। पर्टिकुलर जो लोग अगर इस टाइप से बोल रहे हैं तो मुझे इस प्रकार का अगर कोई संज्ञान आएगा तो मैं एक्शन तत्काल लूंगा। सर आपने कहा कि पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक से हमने बात की तो उनका कहना है कि हमने कई बार शिकायत की है पर गरीब लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं। नहीं नहीं, गरीब और अमीर नहीं, हम सभी की सुनते हैं और हम सभी के लिए हैं। सर वहाँ पर बातचीत के दौरान एक और समस्या ये भी सामने आई है कि जो रोड आपने बनाए हैं हाल ही में मतलब रोड बनाने के बाद में ऐसा देखा गया है कि साल भर भी नहीं हुआ है रोड टूटने लग गए हैं, वहाँ पर बारिश का पानी जमा होने लग गया है। अगर ऐसा कोई इशू होगा तो हम जांच कराएंगे। नालियों में भी काफी ज्यादा मतलब जो नाले बनाए गए हैं तो नाले आधे बने हैं अंत तक एक साइड पे नाले बने हुए हैं लेकिन दूसरे साइड पे नाले बने हुए नहीं है सर। नाले बनाने का कार्य हमारा निरंतर जारी है और अगर इस टाइप से कोई समस्या है तो हम एस्टीमेट बनाकर प्रॉपर परिसर से सेंक्शन लेकर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए नाले का निर्माण करेंगे। अभी तक मॉनसून की पहली बारिश ही स्टार्ट हुई है सर, तो पहली बारिश में जो नाले हैं वो अपनी सीमा से काफी ऊपर उनका पानी बहना चालू हो गया है तो अगर एक दो बार और बारिश तेज हो गई तो नालों का सारा पानी जो है वो सर रोड पे आ जाएगा। जनता का एक और सवाल ये भी है सर कि ये जो पानी है नालों का वो रोड पर आने की वजह से जितने घर
सीधा रोड के पास है तो उनके अंदर चला जाता है, तो इसको लेके आपकी क्या व्यवस्था है? नाले हमारे द्वारा सारे साफ कर दिए गए हैं और प्रॉपर हम तैयारी कर रहे हैं और सीवरेज का काम आने वाले समय में होगा ताकि ये समस्या फ्लोटिंग की जो हो रही है नहीं होगी। सर एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे नाली और साफ सफाई के लिए आपने मतलब कर्मचारी रखे हुए हैं, तो कुछ वार्डों में जहाँ पर मतलब कर्मचारी अंदर गलियों तक नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ की नालियों में काफी कचरा जमा हो चुका है, तो वहाँ पर जनता को खुद को वो साफ करना पड़ रहा है, तो उनका ये भी मतलब एक नगर परिषद को लेकर कि ये है उनके अंदर नाराजगी है कि हमारे अंदर तक आके साफ सफाई नहीं होती है, कुछ कुछ गलियां है वहाँ पर कचरा रहता है। अगर इस टाइप की कोई गलियां है जहाँ जहाँ की गाड़ियाँ अगर साफ नहीं हो पा रही हैं तो मेरे पास अगर कोई ऐसा संज्ञान आएगा तो मैं तत्काल एक्शन लूंगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा, जो वहाँ लगा हुआ है और जो गाड़ियाँ साफ नहीं कर रहा है उसके खिलाफ भी मैं कार्रवाई करूंगा। इस जगह लिस्ट लगाना संभव नहीं है, हम कुछ जगह इस टाइप की व्यवस्था करेंगे जिस पर दरोगाओं के नंबर, हमारे सब इंजीनियर के नंबर और लास्ट में मेरे नंबर भी रहेंगे। अगर इस टाइप की कोई समस्या है तो किसी भी नंबर पर कॉल करेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया जाएगा और समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरी यही अपील है कि मैं पिछले एक महीने से सफाई में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, तो लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि जो घरों से निकलने वाला कचरा है वो कचरा गाड़ियों में ही डालें, रोड पर न फेंके, नालियों में नहीं फेंके या इधर उधर कहीं नहीं डाले, मेरी कचरा गाड़ियों में ही डालें ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहे।